प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के पुत्र और आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि किसानों की मांग पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी जगह होता तो 1 मिनट भी इस्तीफा देने में देरी नहीं लगाता। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये काला कानून लागू किया है, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उसकी निंदा करती है। कल जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकतंत्र की हत्या हुई, उसको मैं काला दिन कहूँ तो गलत नहीं। देश के पूरे किसानों के साथ पूर्ण रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी ने विकास करी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उनकी जगह मैं होता तो 1 मिनट ही लगाता इस्तीफा देने में। अब जिन किसानों ने बीजेपी के विधायक बनाए हैं उनको 1 मिनट भी उनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तो थोड़ी भी नैतिकता हो उनके अंदर तो उनको अब तक इस्तीफा दे दें। हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़े हैं, हम सभी लोग हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, करेंगे भी। लेकिन सरकार जब तक किसानों की मांगे सही नहीं करती उस वक्त तक हम किसानों के साथ। वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरपाल भूरा ने कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और किसान और आढ़तियों के पक्ष में समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 3 अध्यादेश लागू किए जो किसानों के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि आढ़तियों को आढ़त नहीं मिलेगी और पैसे की गारंटी कौन लेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अकाली दल के नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया तो अब उसे अपनी साख बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी ने आज पूरे हरियाणा के अंदर एक प्रदर्शन किया है किसानों के, व्यापारियों के, आढ़तियों के पक्ष में। ये क्या है कि इन्होंने 3 बिल पहले अध्यादेश जारी किए थे 5 जून को, अब उन कल वो विधेयक पास हो गए। वो क्या है कि किसान अब अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है और वो आढ़ती को भी नुकसान होगा, आढ़त को आढ़त नहीं मिलेगी। और चंद पूंजीपति जाकर के गांव में से जो जींस खरीदेगा उनका पैसे की गारंटी कौन लेगा, और जो MSP के थे ना जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका 80% लोगों को दिए नहीं पता समर्थन मूल्य क्या होता है। हमारी किसानों की एक मांग है, बिल बनाए, बिल का हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसमें ये है कि जो स्वामीनाथन ने 122 सिफारिशें की हैं उनमें से एक सिफारिश C2 फार्मूला है, उसका क्या है, किसान की कुल लागत निकाल करके लागत पे MSP पे जो निर्धारित करती है उससे 2 गुना अधिक मूल्य दिया जाए और समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब MSP बनाया तो उसकी गारंटी दी गई थी। अब कपास का ले लो, समर्थन मूल्य 5512 रुपये है, वो 4442 4443 बिक्री है, तो समर्थन मूल्य कहाँ रहा। दूसरा ये है कि ये स्टॉक की सीमा खत्म कर दी दूसरे कानून के अनुसार। स्टॉक सीमा जब खत्म हो जाएगी तो व्यापारी कितना स्टॉक करे, किसान के पास जब खाद्य पदार्थ तेल प्याज आलू टमाटर रहेंगे तब तक तो वो रहेगा सस्ता, व्यापारी स्टॉक कर जाएंगे फिर उसका कालाबाजारी होगी। तीसरा अध्यक्ष है वो जो कंट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें पूंजीपति लोग लगा करके कंट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, किसान को ठगे जाएंगे और किसान की जो ना खेती करने का मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। वही मामले में हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि जिस प्रकार कृषि संबंधी अध्यादेश कल राज्यसभा में पास किया गया है ये लोकतंत्र की हत्या करने वाला दिन था। सरकार ने कृषि संबंधी 3 नए अध्यादेश लाकर देश और प्रदेश को किसान आढ़ती और मजदूर को नुकसान पहुंचाने का काम किया है जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। नए अध्यादेश से किसान को फसल के पूरे दाम नहीं मिलेंगे और मंडी बंद हो जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी का धरना रखा हुआ था, केंद्र सरकार द्वारा 3 जो नए अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है जिसके विरोध के अंदर ये कांग्रेस पार्टी का धरना है। ये 3 अध्यादेश देश के किसान आढ़ती मजदूर विरोधी फरमान है, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, हरियाणा की मंडियां बर्बाद हो जाएगी और मजदूर सड़कों पे आ जाएगा। ये 3 अध्यादेश पूरी तरह से
किसान विरोधी है, इसका कांग्रेस पार्टी डट के विरोध कर रही है और डट के विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी हर आंदोलन में किसान आड़ती मजदूर के साथ खड़ी है और जब तक केंद्र सरकार ये तीनों अध्यादेश वापिस नहीं लेती या इसमें संशोधन करके ये नहीं लिखती कि भी किसान की फसल एमएसपी के दाम से कम नहीं खरीदी जाएगी और अनाज मंडी के माध्यम से ही किसान की फसल खरीदेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 25 तारीख को भारतीय किसान यूनियन ने भी राष्ट्रीय व्यापक बंद का आह्वान किया हुआ है और कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन है और हरियाणा की मंडियां 4 दिन से लगातार से आड़ती ने हड़ताल रखी हुई है, जो अनिश्चित काल हड़ताल है, हड़ताल जारी रहेगी जब तक ये तीन अध्यादेश केंद्र सरकार संशोधन नहीं करती। दरअसल कृषि अध्यादेशों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां प्रदेश भर में किसान लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अध्यादेश वापस लेने की मांग कर रहे थे। वहीं अब राज्यसभा में बिल पास होने के बाद कांग्रेसी नेता भी किसानों के साथ उनके समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं और इस कड़ी में कांग्रेस ही नहीं अन्य संगठनों ने भी किसानों का समर्थन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।